हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा विधायक के मूड में नजर आ रही है। राजधानी शिमला में हिमाचल भाजपा ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओएसडी महेंद्र धर्मानी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मीडिया सेंटर से प्रदेश भर की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे को लेकर भी जानकारी दी। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 अक्टूबर को ऊना दौरे पर आएंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स के उद्घाटन और इसके होने वाली रैली में भी जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रैली में लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में भगवान रघुनाथ के सामने विशेष नवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर, उसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है और आगामी जो गतिविधियां उसका केंद्र अब हमारा ये स्थान रहेगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से हम जिस लक्ष्य में लगे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति हम करेंगे। हम जानते हैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बिलासपुर का दौरा है और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। साथ ही अगले कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऊना में आ रहे हैं और उसके बाद उनका हमीरपुर जाने का और कल शाम को बिलासपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। मोबिलाइजेशन की दृष्टि से पूरे प्रदेश भर से हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है उसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र से हमने लक्ष्य रखा, हमने टारगेट सभी विधानसभा क्षेत्रों को दिया है और विशेष रूप से जो फोकस रहेगा हमारा बिलासपुर और हमीरपुर और ऊना जिला के ऊपर रहेगा। इसके अलावा मंडी शिमला संसदीय क्षेत्र से भी और पूरे प्रदेश भर से हमने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि माननीय मोदी जी की रैली में पहुंचे। बाकी विशेष रूप से क्योंकि आज मीडिया सेंटर का हमने शुभारंभ किया है, आने वाले समय में हम इसी प्रकार से धर्मशाला, हमीरपुर और शिमला का हमारा ये हो गया और मंडी में भी मीडिया सेंटर खोल लेंगे ताकि सारी गतिविधियां जो हैं वहां से कोऑर्डिनेट होकर शिमला में उसका हम जो है एकत्रीकरण करके और आने वाला जो हमारा चुनाव है उसको और गति हम दे सकें। और मैं समझता हूं आज का दिन विशेष दिन है कि इस मीडिया सेंटर का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया है और मैं समझता हूँ आगामी दिनों में आपके सहयोग से हम और यहाँ पर जो भी आवश्यकता के अनुसार जो भी करने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। और मैं समझता हूँ नवरात्रों के शुभ अवसर पर मीडिया सेंटर के द्वारा जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनका संचालन हमारी टीम अब यहाँ से करेगी। कुल्लू का भी हमारा बिलासपुर का ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन का कार्यक्रम है। कुल्लू केवल दशहरे में हो जाएंगे लेकिन कोई जनसभा या ऐसा वहाँ पर नहीं रखा गया। जो हमारा विशेष कार्यक्रम है वो बिलासपुर में है और हमारे जो उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी वो भी बिलासपुर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो शेड्यूल आएगा हम आपको कन्वे कर देंगे। अभी मीनाक्षी लेखी जी आ रहे हैं उनका। हाँ हाँ जी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।